हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अपने इस प्यारे से यूट्यूब के चैनल पे जो है फिजिक्स के क्रैश कोर्स को स्टार्ट किए थे, तो बच्चों की मांग हुई कि सर जो 2000 जो पेपर हैं, जो कुछ मॉडल पेपर हैं, उनको सॉल्व कराया जाए फिजिक्स का। तो आज हमने ये विचार किया है कि आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स का एक मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी इस क्लास को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स जो आप लोग पढ़ते हो उससे कुछ डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके मन में डाउट उठता है कि पढ़ते कुछ और हैं, मॉडल पेपर कुछ और आता है, पेपर में कुछ और आते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर विगत कुछ वर्षों की जो आपके मॉडल पेपर हैं, अगर उनको आप सॉल्व कर लेते हो या हमारे इस वीडियो को देख लेते हो, देखने के बाद अगर आपको समझ में आते हैं, तो आप फिजिक्स के पेपर जब देने जाओगे, तो आपको फिजिक्स के पेपर देने जब बैठोगे बोर्ड एग्जाम में, तो कुछ क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे। लगभग 80% चांसेस है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो आपको आसान होगा हल करने में। तो प्यारे बच्चों, आपका टाइम ना नुकसान करते हुए आइए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज इस मॉडल, आज इस क्लास पे या आज इस यूट्यूब चैनल पर सबसे पहली क्लास मॉडल पेपर का सॉल्व करा रहे हैं प्यारे बच्चों। अब आप लोगों का रिस्पांस जैसा रहेगा इस क्लास पे, उस हिसाब से हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, जहाँ तक कि हमने आपके बोर्ड पे लगा के रखा है कि हमारे पास एक पेपर आया है, वो पेपर क्या है, सेट 3 है उसका, और उस पेपर का जो कोड है प्यारे बच्चों, उस पेपर का कोड है 346XU। यानी जो पेपर भौतिक विज्ञान 2020 में हुआ था, वो कहाँ का था वो तो नहीं पता है, पर वो जो है 346XU उस पेपर का कोड है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन को मिला लीजिएगा आप लोग के अगर पास पेपर होगा तो। चलिए प्यारे बच्चों, कि प्रश्न पहला है विद्युत विभव का मात्रक है। तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न को हल करेंगे। क्या पूछा है? विद्युत विभव का मात्रक है। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्या पूछ रहा है? विद्युत विभव। तो सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, विद्युत विभव होता क्या है? आपने पढ़ा होगा अनंत से किसी भी परीक्षण आवेश को, अनंत से किसी भी परीक्षण आवेश को ले आने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात ही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? विद्युत विभव कहलाता है। तो V बराबर क्या होता है? W/Q0। तो प्यारे बच्चों, इस W का मात्रक आपको पता होगा जूल होता है, और Q0 का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। यानी विद्युत विभव का मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति कूलाम। तो प्यारे बच्चों, विद्युत विभव का मात्रक क्या मिल गया आपको? विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। तो ये आपका पहले नंबर का जो प्रश्न था वो हल हो गया। चलिए प्यारे बच्चों, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि यदि एक कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोधक, सॉरी, यदि एक कार्बन प्रतिरोधक का, तो यहाँ क्या कह रहा है? कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध, का प्रतिरोध आपको दिया गया है डियर स्टूडेंट। कितना दिया गया है? 45×10^6 क्या है? 45×10^6 ±10%। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है? ओम हो तो प्यारे बच्चों, कह रहा है बाईं से दाईं की ओर वर्णक्रम होंगे। तो प्रश्न है, तो इसके बाईं से दाईं की ओर वर्णक्रम होंगे, यानी आपके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपसे ऑप्शन हम यहाँ नहीं दिखा सकते हैं, लिखा नहीं जा सकता। लिखा इसलिए नहीं जाएगा प्यारे बच्चों कि टाइम ज़्यादा स्पेंड होंगे, वीडियो ज़्यादा काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो दिक्कतें आएंगी। तो आप उस पेपर से मिला लीजिएगा। तो वर्णक्रम क्या है, तो लिख देते हैं। वर्णक्रम क्या है प्यारे बच्चों, एक बार लिखते हैं। पीला है, पीला यानी वाई, फिर हरा यानी ग्रीन, वाई वाई के बाद क्या है, भैया? ग्रीन है। ग्रीन के बाद क्या है? ब्लू है। फिर सिल्वर है। तो इसका मतलब पीला, इसका मतलब हरा, इसका मतलब नीला, इसका मतलब चांदी। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों? दूसरा है एच है। क्या है? एच है। बी है। फिर क्या है प्यारे बच्चों? वाई है। फिर एस है। तीसरा ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों? तीसरा है बी है।
यानी नीला, फिर येलो वाई है, फिर उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, जी है, फिर क्या है एस है, लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है यस बी एच एस बी जी वाई। अब आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों, अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं, Y का मतलब क्या होता है, तो Y का मतलब पीला लिखा गया है, ग्रीन का मतलब हरा, इसका मतलब नीला और इसका मतलब चांदी। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, आपसे पूछ रहा है कि आप बाईं से दाईं ओर, बाईं से दाईं ओर का वर्णक्रम क्या होता है, यानी जब हम किसी कार्बन प्रतिरोधक पट्टी का उपयोग करते हैं तो बाईं से दाईं ओर जाने पर उसके प्रतिरोधों का वर्णक्रम किस प्रकार होता है। तो प्यारे बच्चों जब हम लोग बाईं से दाईं ओर जाते हैं, यानी इधर से इधर की तरफ, ये अगर आपका बायां हो गया, इधर से इधर की तरफ जाते हैं, तो प्यारे बच्चों जो वर्णक्रम होता है, सबसे पहले पीला पड़ता है, फिर कौन पड़ता है, ग्रीन पड़ता है, फिर कौन पड़ता है, ब्लू पड़ता है, फिर कौन पड़ता है, यस पड़ता है। तो हम लोग इस पे, इस ऑप्शन पे क्या लगा देंगे, टिक लगा देंगे, इस क्वेश्चन का जवाब यही होगा। प्यारे बच्चों बहुविकल्पी का तीसरा नंबर क्वेश्चन हल करते हैं, क्या दे रहा है, 10 ओम प्रतिरोध है, क्या है प्यारे बच्चों, इसको मिटाते हैं जरा सा, चलिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है 10 ओम प्रतिरोध, तो सबसे पहले ये पहले का तीसरा नंबर है, तो 10 ओम प्रतिरोध यानी R इक्वल टू कितना दे दिया गया, 10 ओम दे दिया गया है प्यारे बच्चों। फिर 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली, 10 हेनरी यानी L का मान दिया है, 10 L का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों, 10 हेनरी दिया है। फिर उसके बाद कह रहा है स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली को 50 वोल्ट तक V इक्वल टू कितना दिया है, 50 वोल्ट दिया है। फिर आगे कह रहा है एक बैटरी से जुड़ी है, तो कुंडली में संचित ऊर्जा आपको ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों हमने कुंडली में संचित ऊर्जा का फार्मूला बताया है, क्या होता है आपने पढ़ा होगा, कुंडली में संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा बराबर U बराबर होता है 1/2 एल आई स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ आई आपको नहीं पता, पर आई बराबर क्या होता है, वी बटे आर होता है, तो यहाँ रख दिया जाए तो 1/2 मल्टीप्लाई एल आई, आई के स्थान पे क्या रख देंगे प्यारे बच्चों, वी, तो वी का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। सबका मान रखते हैं 1/2 मल्टीप्लाई एन, एन कितना है 10 है, वी, वी कितना है प्यारे बच्चों 50 है, स्क्वायर है तो 50 × 50 कर देंगे, R तो R आपको दिया गया है प्यारे बच्चों, R कितना है 10 है, एक बार हाँ प्यारे बच्चों R का मान कितना है 10 है, तो स्क्वायर है तो 10 × 10, तो डियर स्टूडेंट 1 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा ये 0 0 से कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 1 2 25 दूनी कितने हो गए 50, तो आपके पास कितना बचा 25 × 5 बराबर आ गए 125 जूल जो होगी क्या होगी, संचित ऊर्जा होगी। तो इस प्रकार जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही है, आप टिक लगा लेंगे उस पर, ठीक। तो आपका जो अगला प्रश्न आता है चौथा नंबर यानी घ नंबर, तो प्यारे बच्चों पहले प्रश्न का जो घ नंबर है उसको देखते हैं, वो आपसे क्या कह रहा है, पहले प्रश्न का घ नंबर, तो डियर स्टूडेंट घ नंबर क्या कह रहा है, एक अर्धचालक है, क्या है एक अर्धचालक है, सॉरी एक अर्धचालक नहीं, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे, कागज की सीट पर एक स्याही का धब्बा है। डियर स्टूडेंट कागज का कोई सीट है, उस कागज के सीट पर ये कोई स्याही का क्या है, धब्बा है, ध्यान समझिएगा, धब्बे के ऊपर 6 सेंटीमीटर मोटा, धब्बे के ऊपर 6 सेंटीमीटर का मोटा 1.5 अपवर्तनांक का एक कांच का गुटका रखा है, तो 1.5 तो N1 का मान मानते हैं 1.5, फिर कह रहा है आगे कह रहे हैं एक कांच का गुटका रख दिया जाता है, तो धब्बे पर प्रतिबिंब की क्या होगी, विस्थापन क्या होगा, वो आपको प्यारे बच्चों ज्ञात करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग ज्ञात करते हैं, तो क्या दिया है, एक मिनट एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक कागज की सीट पर एक स्याही है, धब्बे के ऊपर 6 सेंटीमीटर मोटा, क्या प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर मोटा, तो यहाँ मोटा को हम लोग टी से दिखाते हैं,
छः सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 घाते माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर में आ जाएगा डियर स्टूडेंट। फिर कर रहा है तो यहाँ n बराबर कितना है 1.5। आगे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब का विस्थापन का फार्मूला होता है, प्रतिबिंब का विस्थापन बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, विस्थापन को d से व्यक्त किए हैं आप लोगों ने, d बराबर क्या होता है जानते हैं भैया, t होता है, फिर क्या होता है t, फार्मूला क्या होता है विस्थापन बराबर आपका फार्मूला होता है t, 1 क्या होता है 1/1 माइनस कितना होता है n होता है डियर स्टूडेंट। तो आप इसको चाहो तो इस पे रख सकते हो। तो चलिए, t का मान कितना है, 6×10⁻², 1 है माइनस 1, तो आपके वैसे पड़े रहेंगे, बटे n, n का मान कितना है डियर स्टूडेंट 1.5 है। इसको हल करते हैं तो ये आ गए 6×10⁻², यहाँ इनका इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 1 आएगा, बटे क्या आ जाएगा 1.5, तो ये आ गए 6×10⁻², इसमें से घटा दोगे तो केवल 1 आएंगे प्यारे बच्चों, यहाँ आ गए 1.5, सॉरी 1 न आके 0.5 आएगा। तो ये पॉइंट से कट गए तो क्या बचे यहाँ पर, 6×10⁻², फिर क्या बचा 5/15, 5×5 5×15 3×3 3×2 6, तो इसका हल क्या बचा 2×10⁻², ये किस में आए हैं मीटर में, इनको अगर सेंटीमीटर में चेंज कर दोगे प्यारे बच्चों तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो चलिए आगे की तरफ देखते हैं, सवाल क्या कर रहे हैं आप लोगों से। तो अगला सवाल है ग नंबर, वो तो थ्योरी वाले हैं, कह रहे हैं दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं, यानी कह रहा है कि जब दो जो स्रोत होंगे वो कला संबद्ध कब होंगे। तो पहला ऑप्शन दिया है यदि उनसे निकलने वाली, समझिए जरा सा, ये मान लेते हैं कोई दो स्रोत हो गए, एक ए हो गए, ये कोई स्रोत क्या हो गए बी, कह रही इनसे निकलने वाली जो तरंगे हैं, इनसे निकलने वाली तरंगों जो तरंगे हैं यदि, यानी कह रहे हैं कि ये दोनों स्रोत कला संबद्ध तब होंगे, हमने थ्योरी में या आपने थ्योरी में पढ़ के रखा होगा कि दो स्रोत कला संबद्ध तब होते हैं जब उनसे निकलने वाली तरंगों का कलांतर क्या हो, नियत हो, तरंगों का कलांतर क्या हो, नियत होता है, तो वो स्रोत क्या कहलाते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। तो भैया इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, नियत कलांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नियत कलांतर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो आपका अंगर नंबर था, अंगर नंबर का उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों नियत कलांतर, क्या हो जाएगा, नियत कलांतर। आइए 6 नंबर को देखते हैं, एक अर्धचालक डिवाइस है, एक बैटरी है तथा एक प्रतिरोधक के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ में धारा प्राप्त होती है। प्यारे बच्चों जैसा जैसा कह रहा वैसा वैसा हम लोग बनाते तब आपको समझाते हैं। तो डियर स्टूडेंट क्या करा, एक अर्धचालक डिवाइस है, अर्धचालक डिवाइस है, एक बैटरी है। तो ध्यान समझिएगा, अर्धचालक डिवाइस क्या होता है, एक में P होता है, एक में N होता है, ठीक प्यारे बच्चों, ठीक, ये हो गए P, ये हो गए N। फिर आगे समझिएगा, कह रहा है एक बैटरी है तथा एक प्रतिरोध, तो इसमें मान लेते हैं ये प्रतिरोध हो गए, ठीक, अब ये हो गए, इसको एक बैटरी के साथ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, इसको एक बैटरी के साथ क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब क्या कर रहा है, आगे कर रहे हैं यदि बैटरी की ध्रुवता उलट दी जाए तो परिपथ, सॉरी क्या कर रहे हैं कि जब इस प्रकार का आप करते हो तो परिपथ में एक धारा प्रवाहित होती है, परिपथ में एक क्या उत्पन्न होती है, धारा उत्पन्न होती है। तो कह रहा है यदि बैटरी की ध्रुवता उलट दी जाए, यानी इनको इधर कर दें, इनको इधर कर दें, तो परिपथ में धारा शून्य हो जाती है, तो वो युक्ति है प्यारे बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों,
वो युक्ति आपको बताना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पी टाइप और जो शुद्ध अर्धचालक और जो एन टाइप अर्धचालक है, इनमें तो धारा का प्रवाह होगा नहीं। तो प्यारे बच्चों, जो लास्ट ऑप्शन है वो आपका सही है, पीएन संधि। अब ध्यान समझिएगा, पीएन संधि क्या होता है? जब पी वाले क्षेत्र को एन वाले क्षेत्र के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो पीएन संधि कहलाता है, और पीएन संधि उत्क्रम अभिनत में जब होती है तो वहां पर धारा का प्रवाह नहीं होता है, और जब अग्र अभिनत में होता है तो वहां पर धारा प्रवाहित होते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से समझिएगा। अब कहोगे सर अग्र अभिनत क्या होता है, उत्क्रम अभिनत क्या होता है, तो इन सब की डिटेल जानकारी हम लोग क्रैश कोर्स के दौरान जब इस चैप्टर में पहुंचेंगे तो बता दिए जाएंगे। तो यहाँ इस प्रश्न का जवाब होगा वो युक्ति कौन सी है, पीएन संधि है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, च नंबर का जो जवाब होगा वो कितना होगा, पीएन संधि डायोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पीएन संधि डायोड हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हो आई वी नंबर सही है इसका। प्यारे बच्चों, इसी सवाल के साथ आपका ये जो पहला खंड था वो समाप्त हो जाते हैं। बहुविकल्पी के जो प्रश्न हैं वो आपके समाप्त हो जाते हैं भैया। बहुत सरल और इसी प्रकार इजी क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछते। और सबसे पहली बात जो होती है प्यारे बच्चों, जो आप लोगों के मन में मानसिकता बैठी रहती है कि हमको प्रश्न को जो है किसी भी पेपर को 3 घंटे 15 मिनट में हल करना है, तो 3 घंटे 15 मिनट का टारगेट मत बनाओ बच्चों। वो पेपर को सॉल्व करने का टारगेट केवल 3 घंटे बनाओ, 15 मिनट जो है लास्ट में मिलाने के लिए बना लो कि क्या हमने गलत लिखा है, क्या हमने सही लिखा है, कौन सा प्रश्न छूटा है, क्या छूटा है। तो इससे आपका एक बार रिपेयर हो जाए, एक बार रिकवर कर लोगे कि हमने कोई गलतियाँ तो नहीं किया है, तो जिससे आपके अच्छे अच्छे गुड मार्क आप पा सकते हो। प्यारे बच्चों, मेहनत करो। आइए खंड ब को देखते हैं, दूसरे खंड को देखते हैं कि दूसरा खंड क्या है। तो प्यारे बच्चों, इसका पहला सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। क्या पूछा है प्यारे बच्चों, कि केवल आपसे क्या पूछा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखना है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका खंड ब का दूसरा प्रश्न है और दूसरे का क नंबर। तो क नंबर, तो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व किसका पूछा है प्यारे बच्चों, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। तो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, म्यू जीरो से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों, म्यू से व्यक्त, म्यू जीरो नहीं, म्यू बी से व्यक्त करते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, बराबर क्या होगा, 1/2 होता है। क्या होता है डी स्टूडेंट, 1/2 होते हैं, और साथ साथ में क्या होता है, बी नॉट का स्क्वायर बटे म्यू, 1/2 बी नॉट का स्क्वायर बटे क्या होता है, म्यू नॉट होता है। जहाँ म्यू नॉट क्या होता है प्यारे बच्चों, निर्वात की चुंबकशीलता होती है। क्या होती है डियर स्टूडेंट, निर्वात की चुंबकशीलता होती है। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार आप लोग चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का फार्मूला वहाँ लिख सकते हो। चलिए आइए ख नंबर प्रश्न को हल करते हैं। ख नंबर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, अगर आपके मन में मानसिकता आता होगा कि बी जीरो क्या है, ये भी जान लीजिएगा, बी जीरो होता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक प्यारे बच्चों, आइए ख नंबर को देखते हैं। ख नंबर कह रहा है, आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता का बीमीय समीकरण लिखिए। किससे, विद्युत बल की सहायता से। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हो विद्युत बल की सहायता से यानी कूलाम का नियम होता है, यह बराबर 1/4π0 Q1 Q2/ क्या होता है R2। तो ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, F×4π0 R2। इनका मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q1 और Q2 आ जाएंगे। प्यारे बच्चों, ये 4π का बीमा नहीं होता, ये बीमाहीन हो जाएंगे, तो यहाँ इनकी नगण्य हो जाएगा। हमको ये एप्सिलॉन नॉट की बीमा का समीकरण लिखना है, एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा,
Q1, Q2, F और R आ जाएंगे आपके किसमें बटे में बच्चों। अब ये आवेश की बीमा, Q1 क्या है? आवेश है, आवेश की बीमा आप AT लिखते हो, और ये Q2 भी है तो Q2 की बीमा क्या होती है? AT, ठीक प्यारे बच्चों। F की बीमा क्या होती है? MLT-2 होता है, और R क्या होता है? L² होता है। इनको हल करने पर ऊपर लेके जाएंगे तो यम को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? m^-1 हो जाएगा, l^2 और 1 मिलके 3 हो गए, और 2 और 1 3 ऊपर लेके गए तो क्या हो गए? l^-3 हो गए। प्यारे बच्चों यहाँ -2 है तो ये -2 भी ऊपर जाएंगे +2, और पहले से 2 उपलब्ध थे तो t^4 हो गए, और यहाँ a^ कितना हो गया? 2। तो ये ε₀ का बीमीय समीकरण था जो कि खंड आपका खंड ब का दूसरे का ख नंबर था। ये स्टूडेंट इसको आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ग नंबर क्या प्यार बच्चों? ग नंबर क्या कह रहा है? परस्पर लंबवत लगे हुए विद्युत क्षेत्र में। तो डियर स्टूडेंट तो इसको मिटा लेते हैं, तब इस यहाँ करते हैं। ग नंबर क्या है डियर स्टूडेंट? परस्पर लंबवत लगे हुए विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बिना विक्षेपित हुए सीधे गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन का वेग के सूत्र बी के पदों में लिखिए। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, ऐसे समझाते हैं हम लोग। क्या है कि ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है प्यारे बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र। और ये कोई जो है, जो ये है, ये कोई विद्युत क्षेत्र ई है। अब क्या कह रहा है कि कोई जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन बिना विक्षेपित हुए सीधे वी वेग से क्या करता है? प्रवेश करता है। ये क्या हो गया? वी वेग हो गया प्यारे बच्चों। समझिए तीनों परस्पर क्या है? एक दूसरे से लंबवत है। यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माना बी व ई एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। दूसरे के क्या है? लंबवत है, हैं। तब वी वेग से प्रवेश करने वाला, वी वेग से प्रवेश करने वाला इलेक्ट्रॉन का वेग वी बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वी बराबर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र और बटे क्या हो जाएंगे आपके? वैद्युत क्षेत्र हो जाएंगे। तो क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों? वी बराबर क्या हो जाएगा? e/v। इस प्रकार जो है वहाँ पर क्या होता है आपका, किसी भी इलेक्ट्रॉन का बिना विक्षेपित हुए जब प्रवेश करता है तो उसका जो वेग होगा v = e/v, जहाँ e विद्युत क्षेत्र है, b क्या है आपका? चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये आपके घ नंबर हो गए। आइए घ नंबर को देखते हैं प्यारे बच्चों। घ नंबर क्या कर रहा है? ध्रुवण कोण का मान क्या होगा? सबसे पहली बात, ध्रुवण कोण का मान क्या होगा? आगे कह रहा है, जब आपतित अध्रुवित प्रकाश किरण √3 अपवर्तनांक वाले पदार्थ से परावर्तित होकर पूर्णतः ध्रुवित हो जाए। तो सबसे पहली बात क्या दिया है? अपवर्तनांक दिया है, n बराबर कितना दिया है? √3 दिया है। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है ध्रुवण कोण यानी IP पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों हम ध्रुवण कोण का फार्मूला जानते हैं, या ध्रुवण कोण अपवर्तनांक में संबंध होता है, n बराबर tan IP होता है। तो n का मान प्यारे बच्चों कितना है? √3 है, tan IP हो गए। इस √3 को हम लोग लिख सकते हैं tan 60 अंश, क्योंकि tan 60 अंश का मान √3 होता है। फिर यहाँ आ गए tan IP, tan से tan कैंसिल हो गए, तो IP = कितना हो गया? 60 डिग्री। यानी जो आपका मान था ध्रुवण कोण का मान कितना है? 60 अंश है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका घ नंबर भी कंप्लीट हो जाते हैं। ज़्यादा फास्ट बता रहे होंगे सवाल, तो प्यारे बच्चों जरा सा चलते हैं, हमको लग रहा है कि हम ज़्यादा फास्ट सवाल को लेके चल रहे हैं, तो आसानी पूर्वक हल करते हैं जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए और बोर्ड पेपर में आप 80-85% नंबर ला भी सको प्यारे बच्चों। तो चलिए आपका अगला सवाल है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा।
तो अंग नंबर है क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है प्यारे बच्चों, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक, ये दिया है। फिर इसकी तीसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, हम जानते हैं तीसरे की यनवी कक्षा की ऊर्जा होती है 13.6, क्या होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 13.6/n² होता है प्यारे बच्चों, यही शायद फार्मूला भी होता है, आप लोग देख लीजिएगा क्या होता है भैया यही। अब ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, कौन सा पूछ रहा है, तीसरे कक्षा की, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तीसरे कक्षा की बात का है, तो आप हल कर दीजिए, n बराबर क्या हो गए, तो यहाँ पहले कक्षा की ये थी तो तीसरे कक्षा की, तो -13.6 n का मान कितना है 3 का स्क्वायर, तो आगे भैया 13.6/ कितना आ गया 9। तो डियर स्टूडेंट आप भाग दे ही सकते हो, तो लगभग -1.कुछ करके आएंगे, तो भाग देने पर हमने हल करके रखा है सवाल को, तो कितना आता है प्यारे बच्चों 1.-1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप इसे हल करिएगा, ये आपके आंसर मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का समाधान ये है प्यारे बच्चों। आइए लास्ट, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, खंड ब का लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, चार नंबर। तो प्यारे बच्चों मैंने या आप लोगों ने जब थ्योरी पढ़ा होगा तो प्रकाश का विवर्तन जरूर पढ़ाया गया होगा, तो आप ध्यान से समझिएगा प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण, क्या होता है प्यारे बच्चों, जब कोई प्रकाश किरण किसी अवरोधक या तिक्ष्ण किनारों से होकर गुजरता है, अवरोधक या तिक्ष्ण किनारों से होकर गुजरता है, तो वो प्रकाश किरण थोड़ी सी किनारों पर थोड़ी सी कटी हुई या अपने मार्ग से क्या होती हैं, विचलित हुई दिखाई पड़ती हैं, तो यह घटना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। क्या मैंने बताया प्यारे बच्चों, जब कोई प्रकाश किरण किसी अवरोधक या छिद्र अवरोधक या तिक्ष्ण किनारों से होकर गुजरती हैं, तो वो थोड़ी सी कटी हुई दिखाई पड़ती हैं, किनारों पर थोड़ी सी कटी हुई दिखाई पड़ती हैं, इसे ही प्रकाश का क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विवर्तन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं खंड अगले की तरफ, खंड स की तरफ, तो इस प्रकार खंड ब का प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट खंड स, खंड ब मिटा के खंड स लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट खंड स क्या है, वैद्युत द्विध्रुव को पी द्विध्रुव के अक्ष से केंद्र से आर मीटर की दूरी पर विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए, और इस द्विध्रुव को 90 अंश घुमा देने पर उसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट जो ये आपका तीसरा नंबर है, तीसरे के जो क का प्रश्न है, इस प्रश्न को हम अपने थ्योरी के क्लास में बता के रखे हैं कि आपका ये जो प्रश्न है ये वही प्रश्न है जो हमने वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति और निरच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात किए होंगे, वो वही क्वेश्चन है। तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो सेकंड चैप्टर में आपको इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा प्यारे बच्चों। अगर आप क्लास को नहीं पा सकते हैं तो कमेंट में कीजिएगा, तो हम इस प्रश्न का जवाब कर देंगे, इस प्रश्न को हल कर देंगे। थोड़ी सी हिंट दे देते हैं कि आप कैसे करोगे, इसका जो अच्छी स्थिति होता, अच्छी स्थिति क्या होते हैं भैया, अच्छी स्थिति होता है कि जब कोई ऐसे रख लीजिएगा, एक क्या हो जाएगा माइनस क्यू हो जाएंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस क्यू हो जाएगा, और इनके बीच का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, ये दूरी एल हो जाएगी, ये दूरी एल हो जाएगी, ये भी दूरी एल हो जाएगी, ये भी दूरी एल हो जाएगी, और पूरी दूरी कितनी हो जाएगी 2L। तो ये कोई क्या बन गया, वैद्युत द्विध्रुव बन गया ए और बी।
तो प्यारे बच्चों इनसे कुछ मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या मान लेंगे, P मान लेंगे। ये मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P मान लोगे, जिस पे परिणामी विभव ज्ञात करना रहेगा प्यारे बच्चों, तो हम परिणामी विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो ये होता है, तो परिणामी विभव आप ज्ञात करोगे तो अच्छी स्थिति पर, किस पे प्यारे बच्चों, अच्छी स्थिति पर जो वैद्युत विभव आएगा वो आ जाएगा 1/4πε0 पी बटे क्या था आर स्क्वायर। ये अच्छी स्थिति पर था। और जब 90 अंश घुमा देंगे तो 90 अंश घुमाने पर निरक्षी स्थिति पे आ जाते हो, और निरक्षी स्थिति पर वैद्युत विभव V का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो प्यारे बच्चों अच्छी स्थिति पर ये होते हैं, निरक्षी स्थिति पर ये होते हैं। तो यहाँ आपको इसका व्यंजक नहीं ज्ञात करना था डियर स्टूडेंट, बल्कि क्या ज्ञात करना है, केवल फार्मूले लिखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन के जो मार्क हैं वो 2 नंबर के हैं। तो आप यहाँ बता सकते हो जहाँ P क्या है, वैद्युत ध्रुवागुण है, R क्या है, दूरी है, और V क्या है प्यारे बच्चों, विभव है। तो इस प्रकार तीसरे का जो क नंबर था वो आपका समाप्त होता है। आते हैं ख नंबर की तरफ, किधर प्यारे बच्चों, ख नंबर की तरफ। ख नंबर क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट, ख नंबर कह रहा है कि एक्स वाई तल में रखी 0.2 मीटर स्क्वायर, एक्स वाई तल में रखी 0.2 मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की एक कुंडली से। तो प्यारे बच्चों क्षेत्रफल दिया गया है, पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है, पृष्ठ का क्षेत्रफल है 0.2 मीटर स्क्वायर। क्या दिया है, 0.2 मीटर स्क्वायर दिया है। फिर कह रहा है कि इससे इतना बद्ध चुंबकीय, इतना इससे क्या होता है, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स इतना है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान दिया है प्यारे बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स का मान। तो B बराबर क्या दिया है डियर स्टूडेंट, B बराबर दिया है 3i+4k। कितना दिया है प्यारे बच्चों, 3i+4k। ये चुंबकीय क्षेत्र दिया है। तो डियर स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि अब आपको क्या ज्ञात करने के लिए पूछा है, चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय फ्लक्स, और ये चुंबकीय क्षेत्र दिया है, ये चुंबकीय क्षेत्र दिया है, बी दिया है। ठीक प्यारे बच्चों, अब ध्यान से समझिए, ये हम मान लेते हैं ए है। क्या है प्यारे बच्चों, ए है। अब हम जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्या, चुंबकीय फ्लक्स पूछ रहा है। तो चुंबकीय फ्लक्स बराबर हमने पढ़ा है फाई बराबर बी इंटू ए। तो बी तो हमारे पास क्या है, कैप के रूप में है। तो इसका हम लोग परिणामी कैसे निकालते हैं डियर स्टूडेंट, इसका परिणामी होता है अंडर रूट इसका स्क्वायर। तो 3i का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4k का स्क्वायर कर देंगे। तो प्यारे बच्चों इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9i स्क्वायर आ जाएगा प्लस 16k स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर और के स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा 9, ये प्लस 16 बराबर कितना 25, हल करोगे कितना आ जाएगा 5। तो प्यारे बच्चों बी का मान 5 आ गया, ए का मान कितना है 0.2, गुणा कर दोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये इसके क्या आ गए प्यारे बच्चों, इनका चुंबकीय फ्लक्स का मान आ गया। तो इस प्रकार आप चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। और अगर मात्रक लिखना चाहोगे तो लिख दीजिएगा, 1 वेबर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। तो ये रहा तीसरे का ख नंबर। अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, ग नंबर को लगाते हैं। किसको लगाते हैं प्यारे बच्चों, ग नंबर। ग नंबर क्या कह रहा है, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ के नमूने पर 6 नियतांक क्या है प्यारे बच्चों, लैम्डा है। क्या है प्यारे बच्चों, लैम्डा है। चलिए तीसरे का क्या नंबर था, प्रश्न नंबर ग था, तीसरे का था ग। पूछा है कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो 6 नियतांक है, क्या है प्यारे बच्चों, 6 नियतांक है, वो 6 नियतांक क्या है, लैम्डा है। क्या है, लैम्डा है। आगे प्रश्न कह रहा है कि 6 नियतांक लैम्डा है, तो उसके लिए औसत व आयु पूछा है, और क्या पूछा है प्यारे बच्चों, हाँ तो क्या क्या पूछा है, एक अर्धायु पूछा है। क्या पूछा है, एक अर्ध आयु के लिए सूत्र लिखना है और एक औसत वायु के लिए। तो प्यारे बच्चों आप जरा सा समझिएगा कि पहले अर्ध आयु क्या होता है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के अर्धायु से क्या समझते हैं प्यारे बच्चों। तो अर्धायु वो होता है कि आप पढ़े होंगे थ्योरी में कि कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ अपने अंदर से रेडियो एक्टिव किरणों को उत्सर्जित करता रहता है,
तो जो कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ ये किरणे उत्सर्जित करते करते अपने प्रारंभिक मात्रा का आधा होने में जितना समय लगाता है वो क्या कहलाता है, अर्ध आयु कहलाता है। प्यारे बच्चों, वह समय अंतराल जिसमें कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है, आधा विघटित हो जाता है, वो क्या कहलाता है, अर्ध आयु कहलाता है। डियर स्टूडेंट, तो चलिए अर्ध आयु का फार्मूला लिखते हैं। तो अर्ध आयु बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 0.6931 बटे क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप एक बार इसको मिला लीजिएगा, क्या आप जो लिख रहे हैं वो आपके सही हैं, तो टी बराबर बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों, क्या है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसकी औसत आयु की चर्चा करते हैं। तो औसत आयु टाऊ से दिखा देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 1.43 गुणे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैपिटल टी हो जाएगा। 1.43 गुणे क्या हो जाता है, कैपिटल टी। ये औसत आयु का क्या आ जाता है, फार्मूला आ जाता है प्यारे बच्चों। ठीक, इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। और इसकी बात आई कि ये कहाँ से आते हैं प्यारे बच्चों, तो ये सब आपको यहाँ पर नहीं दिखाना है पेपर में, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के मार्क रखे गए हैं, हर एक क्वेश्चन अलग अलग खंड में आए हैं। तो अगर आपको पूरा विस्तृत लिखना होता तो भले आप लोग लगा सकते थे डियर स्टूडेंट। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, घ नंबर। अब घ नंबर क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, घ नंबर आपसे कह रहा है कि कोई एक आपके लिए डायग्राम तैयार किया गया है, एक कोई परिपथ दिया गया है, उस परिपथ को हम लोग बनाते हैं जरा सा। प्यारे बच्चों, ये होता है, ये आपके लिए एक परिपथ बनाई गई है। तो आप परिपथ में देखिए, ये किस परिपथ को बता रहा है, एनओटी गेट को बता रहा है। किसको बता रहा है, एनओटी गेट को बता रहा है प्यारे बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा, एनओटी गेट क्या होता है, एक ऐसा तर्क द्वार जिसमें प्रवेश करने के लिए दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं प्यारे बच्चों, और एक आउटपुट होता है, यानी जिनमें प्रवेश निवेशी कितने होते हैं, निवेशियों की संख्या दो से अधिक होगी, दो या दो से अधिक हो सकते हैं, पर आउटपुट यानी आपको निकलने के लिए केवल एक ही मिलेगा जो कि वाई है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ ए बी सी तीनों निवेशी हैं, वाई आपका क्या है भैया, वाई आपका आउटपुट है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके इनपुट हुए, ये आउटपुट हुए, पूछ लिया गया है एनओटी गेट क्या होता है, एक ऐसा तर्क द्वार जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं और केवल एक आउटपुट होता है, वो आपके क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, एनओटी गेट कहलाते हैं। तो ये आपका एक एनओटी गेट बनाया गया है, एनओटी गेट का प्रतीक बनाया गया है। इसके लिए पूछा है आपके क्वेश्चन में, इसका हल क्या है, पूछा वाई बराबर एक के लिए, किसके लिए, वाई बराबर एक के लिए इस ए बी सी का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं इसका बुलियन व्यंजक यानी इसका फार्मूला क्या होता है, ए इंटू कितना होता है, बी होता है प्यारे बच्चों। वाई बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, ए इंटू कितना होता है, बी होता है। एक बार आप फार्मूले को मिला लीजिएगा प्यारे बच्चों। हाँ, थोड़ी सी कमियाँ हैं, वाई बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, सी। तो डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग इसकी सत्यता सारणी लिख लेते हैं, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो ये ए हो जाते हैं, ये बी हो जाते हैं डियर स्टूडेंट, फिर क्या हो जाएंगे, ये सी हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, वाई लिख लेते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, वाई बराबर ए प्लस बी डॉट क्या हो जाएगा, सी। कब कब वाई का मान एक होगा, तो इस बार हम लोग क्या करते हैं, ए को जीरो रखते हैं। जब प्यारे बच्चों सोचो, ए को जीरो किया गया
तो जब आप ए को जीरो कर दोगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा। यदि ए को जीरो करते हैं बी को एक करते हैं, प्यारे बच्चों यदि ए को जीरो करते हैं बी को एक करते हैं और सी को भी एक करते हैं, तब वाई का मान क्या मिलेगा, एक मिलेगा प्यारे बच्चों। यानी अर्थात आप वहां से समझिए कि यदि ए को बंद कर दिया जाए, ए से निवेश जो था, ए से जो धारा प्रवेश करने वाली थी वो बंद कर दिया जाए और बी और सी को चालू रखा जाए, तो क्या ये वाई पर, मान लेते हैं यहाँ पर जरा सा समझने के लिए कि वाई पर एक बल्ब लगा है, तो बताओ जब आप जो बैटरी से जोड़े हो, इस बैटरी से एक धारा इससे और इससे, तो क्या ये बल्ब जलेगा? जी हाँ बिल्कुल ये बल्ब जलेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि इससे भी करंट मिलके एक ही तार पे जा रहे थे, इससे भी मिलके इस तार पे, तो जो आप इसको बंद किए हो इसके बंद करने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, इसलिए वाई आपकी क्या होगी, एक होगी। एक का मतलब कोई गिनती नहीं, एक का मतलब होता है वहाँ आन। प्यारे बच्चों एक बार आप फिर से समझिएगा, क्योंकि बैटरी से जो करंट निकला है वो बैटरी से जो निकलने वाला करंट है जब बी और सी के माध्यम से इस पर पहुँचेगा तो ये बल्ब जल जाएगा, तो बल्ब आन की स्थिति हो जाएगा। इस बार ए को खुला रखते हैं, बी को बंद रखते हैं और सी को चालू रखते हैं, तब भी क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। प्यारे बच्चों इस बार ए को खोल दीजिए और बी को बंद कर देंगे तो यही करंट जो है इस तार के माध्यम से पहुंच जाएगा तो ये बल्ब जल जाएगा। डियर स्टूडेंट फिर क्या करते हैं, इस बार हम लोग क्या करते हैं, इस बार ए को भी खोल देते हैं बी को भी खोल देते हैं। डियर स्टूडेंट क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इस बार ए को भी खोल दिया जाता है और किसको खोल दिया जाता है, बी को, तो क्या हो जाएगा, ए भी खुला है बी भी खुला है और सी भी खुला है, तो क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, ये आपके फिर से मिल जाएंगे प्यारे बच्चों, एक मिल जाएगा। लास्ट ऑप्शन देखते हैं जरा सा, लास्ट ऑप्शन क्या है इस बार प्यारे बच्चों आपको जो है, अगर हमने क्या कर दिया कि इन दोनों को खोल कर तीसरा हम क्या कर दे, बंद कर दे। यदि आपको पूछा है कि आउटपुट आपको एक मिलना चाहिए, तो आउटपुट एक पाने के लिए ये तीन स्थितियां हैं, वो तीनों स्थितियों में क्या क्या हो सकता है, ए को बंद करके बी और सी को चालू कर सकते हो, ए को चालू करके सी को चालू करके बी को बंद कर दो, या तीनों को चालू करोगे तब भी आउटपुट आपको एक ही मिलेगा। एक लास्ट स्थिति आती है, ए को चालू किया जाए बी को चालू किया जाए और सी को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। और ये आपके प्रश्न में नहीं पूछा है, ठीक प्यारे बच्चों, तो आपके प्रश्न का जवाब यहां तक है, तो इस प्रकार आप इस सवाल को हल कर सकते हो। ये स्टूडेंट चलिए ये सवाल हो ही गए होंगे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा, और समझ में आया होगा तो प्यारे बच्चों इस क्लास के सेशन को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि ये प्रश्न, ये जो मॉडल पेपर है आप लोगों के लिए जिस प्रकार जरूरी है उसी प्रकार आपके सहपाठियों को जरूरी है बच्चों, तो आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। तो चलिए तीसरे का जो है आपका कौन सा क्वेश्चन आ गया है भैया, धीरे धीरे हम लोग तीसरे का जो है लास्ट प्रश्न करके आया है, सॉरी यही आपका लास्ट प्रश्न था बच्चों, यही आपका क्वेश्चन यहाँ खंड स क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं खंड द की तरफ, किधर की तरफ प्यारे बच्चों, खंड द की तरफ। तो डियर स्टूडेंट खंड द का पहला प्रश्न पूछ रहा है, विद्युत संबंधी किरचाप के नियमों का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, समझाइए। तो प्यारे बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है चौथे का क नंबर, इस खंड के हर एक क्वेश्चन आपके तीन तीन नंबर के हैं, तो चलिए तीन नंबर के प्रश्न को एकदम एक नंबर वाले के जैसे हम लोग हल कर लेते हैं, यानी एक नंबर के जैसे सरल टॉप भाषाओं में हल करते हैं। तो सबसे पहला बात किरचाप के नियम, तो प्यारे बच्चों किरचाप के दो नियम हैं, एक तो है संधि नियम, क्या है बच्चों, संधि नियम है, क्या है, संधि नियम, और एक तो है बंद पास नियम, क्या नियम है प्यारे बच्चों, बंद पास नियम। तो संधि नियम क्या होता है प्यारे बच्चों, संधि नियम होता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। आप एक उदाहरण देके दिखा देना चाहिए, तो बोल रहे तो जैसे हमने क्या मान लिया, ये कोई संधि हो गई, इस संधि से एक धारा निकली I1 मान लिए, ये धारा गई I2 मान लिए,
ये धारा आ रही है तो आई थ्री मान लिए, ये धारा मान लिए क्या आई फोर, और ये धारा क्या मान लिए प्यारे बच्चों आई फाइव। तो इस संधि पर मिलने वाली जो धाराओं का बीजगणितीय योग होगा यानी आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर, अब ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, जो आई थ्री है वो आई टू के विपरीत है, आई टू इधर जा रहे हैं आई थ्री इधर आ रहे हैं, संधि से दूर जाने वाली धारा प्लस है तो संधि के नज़दीक जाने वाली, संधि के पास जाने वाली धारा क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगी, अगली क्या आ जाएगी आई फाइव बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। डियर स्टूडेंट माइनस वाले को आप उठा के उधर कर दीजिए, आई वन प्लस आई टू और प्लस आई फाइव बराबर आई थ्री और प्लस आई फोर आ जाएंगे। तो ये आपका पहला नियम था जिसे आप लोगों ने संधि का नियम कहा। अब आते हैं बंद पास का नियम प्यारे बच्चों, बंद पास का नियम। तो बंद पास का नियम क्या कहता है, समेशन आई आर बराबर समेशन ई। प्यारे बच्चों ये होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब इसको हम समझाते हैं प्यारे बच्चों, किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है कि कोई बंद परिपथ ले लीजिए, क्या ले लीजिए प्यारे बच्चों बंद परिपथ ले लीजिए और उस बंद परिपथ में कोई परिवर्तन मत कीजिए, किसी भी प्रकार का कोई चेंज होना नहीं चाहिए। तो किसी बंद पास में, बंद पास का मतलब होता है कि तार का एक जो है फेरा या एक लूप बना दीजिए, तो उस बंद पास में कोई परिवर्तन ना कीजिए तो उसमें बहने वाली धारा, बहने वाली धारा आई और संगत प्रतिरोध यानी धारा आई के साथ जो प्रतिरोध लगा है तो संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का योग, संगत प्रतिरोधों और आई के गुणनफल का योग सेल के कुल विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। प्यारे बच्चों आइए हम आपको समझाते हैं जरा सा, ऐसे समझिएगा, एक ये हो गए, एक प्रतिरोध हो गए, दो प्रतिरोध लगा दिए, फिर क्या लगा देते हैं इसी में हम लोग एक सेल लगा देते हैं, ठीक प्यारे बच्चों, ये प्लस हो गए ये माइनस हो गए। अब इससे प्रवाहित होने वाली धारा आई है, ये प्रति आर वन है, ये क्या है आर टू है, तो ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चे ये ई है। तो वो बोल रहे हैं कि आप इस बंद पास में, इस बंद पास में कोई परिवर्तन ना कीजिए तो इसमें बहने वाली धारा आई और संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, तो संगत प्रतिरोध कौन है भैया आई और संगत प्रतिरोधों का गुणनफल यानी आर वन आर टू, संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का योग, का योग यानी का जोड़ बराबर सेल के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है प्यारे बच्चों कि किरचॉफ का जो बंद पास नियम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो बता दीजिएगा प्यारे बच्चों संवेग संचरण के सिद्धांत पर आधारित है और आपका जो पहला नियम है वो ऊर्जा संचरण पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार चौथे का कर नंबर सवाल आपका समाप्त हो जाए। प्यारे बच्चों करा है तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की घनत्व, तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व 8.5 × 10^28 मीटर प्रति मीटर क्यूब है, यानी हम मानते हैं n बराबर कितना है प्यारे बच्चों, n बराबर सवाल आप हाँ 8.5 × 10^28 प्रति मीटर क्यूब यानी एक मीटर क्यूब में इतने हैं भैया, कौन सा सवाल है 4 नंबर का ख हल कर रहे हैं, ठीक प्यारे बच्चों। आगे क्या कर रहा है, 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के ताबे के तार हो से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना। तो L दिया है प्यारे बच्चों, L कितना है 20 सेमी है, कितना है प्यारे बच्चों 20 सेमी। तो पहली बात सेमी को मीटर में, तो 20 × 10^-2 मीटर क्षेत्रफल दिया है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों 1 सेमी स्क्वायर, कितना है 1 सेमी स्क्वायर, इसको मीटर में चेंज कर दो तो 1 × 10^-2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये ए का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर आगे कह रहा है कि धारा का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है धारा का मान ज्ञात करना है और तार से तार को 4 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, वी बराबर कितना है 4 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है तथा तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता 4.5 × 10^-6 है। तो प्यारे बच्चों गतिशीलता को हम लोग म्यू से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं म्यू से, तो 4.6
सॉरी 4.5 है गुणे 10^-6 दिया गया है। तो इतने सब कुछ दिए गए हैं प्यारे बच्चों, आपको आई ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली जो धारा का फार्मूला होता है आई इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है। समीकरण नंबर आप एक बना लेंगे, क्या बना लेंगे प्यारे बच्चों, एक बना लोगे जहां एन का मान आपको दिया है ई होता है, ई का मान आप लोग जानते हो 1.6×10^-19 कूलाम होते हैं प्यारे बच्चों। अब आप क्या करोगे, वहां से वी डी का मान निकालोगे। क्यों, क्योंकि वी डी आपको इस पूरे सवाल में नहीं दिया गया है, तो हम वी डी का मान निकालेंगे। तो वी क्या है प्यारे बच्चों, वेग है ना वहाँ पर, तो वेग वी डी बराबर क्या हो जाएगा, तो चाल बराबर होता है दूरी, तो दूरी कितनी है तार की लंबाई, तो दूरी हो गई तार की लंबाई बटे क्या होता है समय होता है प्यारे बच्चों। तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा ठीक। तो हम लोग एक इस फार्मूले से न निकालते हुए एक फार्मूला और उपयोग करते हैं गतिशीलता की। तो गतिशीलता बराबर आपने पढ़ा होगा, गतिशीलता बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है वी डी अपान ई, वी डी अपान ई। तो वी डी का मान निकालना हुआ तो पता चला वी डी बराबर क्या होगा, म्यू नॉट इंटू ई होगा। तो वी डी का मान समीकरण 2 में रखने पर वी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डियर स्टूडेंट रख दीजिए, तो I बराबर क्या आ जाएगा, एन ई ए वी डी के स्थान पे म्यू नॉट ई आ गए। अब E भी आपको नहीं दिया है, देख लीजिए प्यारे बच्चों, तो E हम बता सकते हैं विभव प्रवणता से, E बराबर क्या होता है V बटे L। तो एन ई आ गए, A आ गए, म्यू नॉट ई आ गए, तो यहाँ वी बटे कितना आ गया L। अब सबका मान आप रख दीजिए, तो N का मान कितना है डियर स्टूडेंट, 8.5×10^28 है, ई 1.6×10^-19, ए कितना है प्यारे बच्चों, एक है, क्या है 1×10^-2, म्यू नॉट, म्यू नॉट का मान आपको दिया है 4.5×10^-6, वी का मान आपको दिया है 4 वोल्ट और बटे एल। तो प्यारे बच्चों एल का मान कितना होगा, एल का मान है 20×10^-2 मीटर। तो 10^-2 से ये कैंसिल हो गए प्यारे बच्चों, और कुछ कैंसिल हो रहे होंगे, कैंसिल होंगे प्यारे बच्चों, देखिएगा 4×4, 4×5, 20 हो गए, 5×5 यानी यहाँ 17×5, 85 1.7 आ गए। तो प्यारे बच्चों 1.7 आया है, क्या आया लिखते हैं, 1.7 गुणे क्या है 1.6 गुणे क्या है 4.5। अब 28 इधर है, 19×6, 25 कितने हैं प्यारे बच्चों, 19×6, 25, तो 10^28 और 10^-25, तो 28 में से 25 घटाओगे 3 आ जाएगा, 1.7×1.6×4.5×10^ कितना 3। तो आप इसको हल उल करोगे ना प्यारे बच्चों, तो हल करने पे आ जाएगा 1.224 एम्पियर, ये इतने करंट की प्रवाहित होगी। तो ये है, इस प्रकार आप इस सवाल को हल कर सकते हो प्यारे बच्चों। तो आपका ख नंबर भी समाप्त हो गए। चलिए इस सवाल के अगले क्रम में आते हैं ग नंबर, तो आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कीजिएगा। चलिए तो चलिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से आप क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या कह रहे हैं कि चुंबकीय प्रवृत्ति और चुंबकशीलता से आप क्या समझते, फिर आगे कह रहा है सापेक्ष चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम में आपको क्या ज्ञात करना है, संबंध स्थापित करना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग जानेंगे चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती। चलिए डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग लगाएंगे कौन सा है प्यारे बच्चों, ग नंबर है, कौन सा है ग नंबर ठीक। चुंबकीय प्रवृत्ति,
चुंबकीय प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, ठीक भैया प्यारे बच्चों, चुंबकीय प्रवृत्ति। तो प्यारे बच्चों चुंबकीय प्रवृत्ति हम लोग फार्मूले से परिभाषित करें तो जल्दी सो जाएंगे। तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होते हैं प्यारे बच्चों, आपका होता है इसे हम लोग काई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों, काई। तो काई बराबर क्या होता है, आई बी बटे एच होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, बी बटे एच, यानी चुंबकीय क्षेत्र क्या प्यारे बच्चों, सॉरी आई अपान एच होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, आई अपान एच होता है। तो आई क्या है और एच क्या है, तो प्यारे बच्चों आई होती है चुंबकन की तीव्रता, यानी कितनी तेजी से वो चुंबकित कर रहा है, कितनी तेजी से वो किसी को खींच रहा है, और यच क्या होता है चुंबकन करने की क्षमता। तो क्या होगी, चुंबकन तीव्रता और चुंबकित करने की क्षमता का अनुपात ही चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। तो प्यारे बच्चों अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, चुंबकन की तीव्रता तथा चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात ही चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक प्यारे बच्चों, अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है प्यारे बच्चों कि चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध है। किसमें प्यारे बच्चों, चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमारा यहाँ एक चीज़ ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमको ये पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि क्या होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, चुंबकशीलता क्या होती है और चुंबकीय प्रवृत्ति। तो चुंबकीय प्रवृत्ति हमने आपको बता के रखा है काई से व्यक्त करते हैं, और चुंबकशीलता को म्यू से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों, म्यू से। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, वो फार्मूला क्या जानते हैं, बी बराबर होता है, या तो आप यहाँ से हल कर सकते हैं कि चुंबकशीलता क्या होता है, चुंबकशीलता तो चुंबकशीलता म्यू बराबर होता है बी बटे एच। क्या होता है प्यारे बच्चों, बी बटे एच। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी बराबर क्या आ जाएगा, म्यू इंटू एच। समीकरण नंबर क्या बना दोगे, एक। प्यारे बच्चों यहाँ से भी चुंबकशीलता की डिफिनीशन दे सकते हो, क्या दे सकते हो, बी क्या है आपके चुंबकीय क्षेत्र है, और एच क्या है आपका चुंबक, एच क्या है प्यारे बच्चों उसकी चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात है। तो प्यारे बच्चों ऐसे बता सकते हैं कि चुंबकशीलता क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वी, और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात ही क्या कहलाता है, चुंबकशीलता कहलाता है। डियर स्टूडेंट बी बराबर क्या लिख लिए आप लोग, म्यू एच लिख लिए। अब हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला आप लोग क्या लिखते हो प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा है कि बी बराबर होता है ऐसे, बी बराबर म्यू एच पढ़ा होगा, फिर काई पढ़े हैं, क्या पढ़े भैया, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा, म्यू नॉट एच, यहाँ म्यू नॉट एच, फिर वन प्लस काई पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, वन प्लस काई पढ़े हैं, फिर क्या पढ़े, यम पढ़े हैं। ठीक प्यारे बच्चों अब ध्यान से समझिए, बी का मान अगर यहाँ रख दें, बी का मान म्यू एच रख दें, प्यारे बच्चों थोड़ी सी चुनाव का दौरान है तो सभी प्रचार करने वाले जो नवयुवक भाई साहब हैं वो लोग केवल प्रचार कर रहे हैं, तो उसी की वजह से थोड़ी सी आवाज़ आ रही है प्यारे बच्चों। तो क्लास को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं प्यारे बच्चों। ये तो समय है, आज वो लोग प्रचार कर रहे हैं,
करने दीजिए, हम लोग अपने काम को करेंगे। कभी जो है सूर्य जो है लेट नहीं होता, उसी तरह हम लोग भी आज अपने टॉपिक को समाप्त नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, थोड़ी सी अगर क्लास में आवाज़ आती है तो उसको आप लोग बैलेंस कर सकते हो, आप लोग समझदार हो बच्चों। तो आइए, तो यहाँ हमने क्या किया, म्यू एच म्यू नॉट एच, यहाँ से बी का मान रख दिए, म्यू इंटू एच हो गए। तो प्यारे बच्चों, एच से एच को कैंसिल कर दोगे और इधर क्या आ जाएगा, म्यू बराबर म्यू नॉट वन प्लस काई एम आ गए। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इनको इधर कर दें तो म्यू अपान म्यू नॉट बराबर वन प्लस काई एम आ गए। प्यारे बच्चों, म्यू अपान म्यू नॉट को आप लोग क्या कहते हो, प्यारे बच्चों म्यू आर कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यू आर। ये किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, म्यू आर, जिसे आप लोग कहते हो आपेक्षिक चुंबकशीलता, बराबर आ गए वन प्लस काई एम आ गए। प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार आपका जो संबंध था वो समाप्त होते हैं। प्यारे बच्चों, इस सवाल को अच्छे से पढ़िएगा, कई बार बोर्ड पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो थोड़ी सी आवाज़ की वजह से क्लास डिस्टर्ब हुई है उसके लिए सॉरी बोलना चाहते हैं प्यारे बच्चों। चलिए आइए हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की घ नंबर, प्यारे बच्चों किसका अध्ययन करते हैं, घ नंबर। घ नंबर क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि कोई 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक धारावाही वृत्ताकार पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो आर दिया है प्यारे बच्चों, आर 12 सेंटीमीटर, इनको चेंज कर देंगे 12 × 10⁻²⁪ मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बराबर क्या है, 0.50, क्या है प्यारे बच्चों, 0.50 × 10⁻⁴ टेस्ला है। आगे कह रहा है प्यारे बच्चों, इसके हाँ एक दो दो प्रश्न पूछे हैं प्यारे बच्चों, एक पूछा है वृत्ताकार पास के केंद्र पर और एक पूछा है प्यारे बच्चों कि कुछ मीटर की दूरी पर, कहाँ पर प्यारे बच्चों, कुछ मीटर की दूरी पर। तो हम लोग त्रिज्या को दिखाते हैं कैपिटल आर और कुछ मीटर की दूरी पर आर, तो आर की दूरी कितनी है प्यारे बच्चों, आर बराबर कहा है 5 सेंटीमीटर। तो पहले मीटर में 5 × 10⁻²⁪ मीटर प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछा है, वो चुंबकीय क्षेत्र है प्यारे बच्चों। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो दो स्थिति, बी अक्ष पर और दूसरा प्यारे बच्चों कुछ मीटर की दूरी पर, या तो हम कह सकते हैं यहाँ बी केंद्र कर लें और यहाँ क्या कर लें, बी अक्ष पर। तो प्यारे बच्चों आइए सबसे पहले लिखते हैं धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो फार्मूला क्या होता है, बी केंद्र बराबर, फार्मूला आपने पढ़ा होगा म्यू जीरो, फिर क्या पढ़े थे प्यारे बच्चों, फार्मूला को मिला लीजिएगा, पढ़े होंगे म्यू जीरो आई अपान टू आर, आई अपान कितना पढ़े थे प्यारे बच्चों, टू आर, ठीक। तो ये आ गए टू आर। तो प्यारे बच्चों म्यू जीरो का मान आप जानते हो 4π × 10⁻⁷ आई, आई का मान दिया है प्यारे बच्चों, उसमें खुद दिया है, सवाल में आप पढ़िएगा देखिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, तो शायद हम लोगों ने इसमें ध्यान से देखा नहीं सवाल में, वो सवाल में पूछा है इतना है तो धारावाही वृत्ताकार पर, तो वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है प्यारे बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर आपको धारा ये पूछा है बी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सवाल को हम लोग फिर से पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, वो सवाल में ये पूछा था कि कोई 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गोली चालक था जिसपे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतना है,
आर इतना है, अब बताओ इतनी दूरी पर क्या होगा, समझिए जरा सा। वो बोल रहे हैं कि कोई वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, उसके अक्ष पर, इसके इसी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण इतना है, इतना है। अब कह रहा है इससे इतना मीटर की दूरी पर आप बताओ चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये फार्मूला हो गया प्यारे बच्चों। अब क्या करते हैं, बी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया है, बी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया, कितना दिया प्यारे बच्चों, 0.50 × 10⁻¹⁴ म्यू। म्यू जीरो का मान आप जानते हैं क्या होता है, 2π होता है, सॉरी क्या होता है, 4π × 10⁻¹⁷ इंटू आई बटे आर। आर आपको दिया है 12 × 10⁻², 12 × 10⁻²। प्यारे बच्चों अब आई आपको ज्ञात करना है, तो आई ज्ञात कैसे होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4π × 10⁻¹⁷ इंटू आई बराबर 12 × 10⁻², और 0.50 × 10⁻¹⁴। तो ये चीज़ आपके इधर चले जाएंगे, तो आई बराबर 12 × 0.50, 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए, और पूरे के बटे क्या आ गए, 4π × 10⁻¹⁷। ये कैंसिल हो जाएंगे, और प्यारे बच्चों इनको काटोगे तो यहाँ 100 का गुणा हो जाएगा। तो ध्यान समझिए, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12 प्यारे बच्चों। तो क्या मिल गए, आई बराबर आपको क्या मिला, आइए सवाल को हम लोग हल करते हैं प्यारे बच्चों। तो आई बराबर क्या मिल गया है, यहाँ पर यहाँ 3 बचा है और ऊपर क्या बचा है, 50 बचा है, क्या बचा है प्यारे बच्चों, 50, और नीचे क्या है, 100 है, ठीक, और पाई है और गुड़े 10⁻¹ है और गुड़े कितना है प्यारे बच्चों, 100 है, ठीक। अब आप जरा सोचिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट, अब आपके सब कुछ वही है जो हमने वहाँ लिखा था। अब देखिए 3 × 50, ठीक, पाई का मान 3.14 होता है डियर स्टूडेंट, ये 2 है, 10⁻², 2 में से 1 घटा देंगे तो 10 आ जाएंगे केवल प्यारे बच्चों। ये 0 से 0 की विदाई, 5 × 15 / 3.14, इसे हल करोगे तो आई का मान डियर स्टूडेंट आपका आ जाएगा, आई का मान आएगा 9.5, कितना आएगा, 9.55 एम्पियर आएगा डियर स्टूडेंट, ये आपका आई का मान। अब आपको आई नहीं निकालना है डियर स्टूडेंट, आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो बी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो प्यारे बच्चों बी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला आप लोग क्या पढ़े थे, फार्मूला पढ़े हैं म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, फिर क्या होता है प्यारे बच्चों, फिर आपने यहाँ पढ़ा है 2, फिर आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, पावर क्या पढ़े थे 3/2, आप मिला सकते हो, आपने यही फार्मूला लिखा है। चलिए अब म्यू जीरो का मान 4π × 10⁻¹⁷, आई का मान अभी आपने निकाला है प्यारे बच्चों 9.55 है, और आर का मान खुद दिया गया है प्यारे बच्चों, आई आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर का मान है प्यारे बच्चों 12 × 10⁻²² का होल स्क्वायर बटे 2। आर का मान कितना है 12 × 10⁻²² का स्क्वायर, और प्लस स्मॉल आर कितना है डियर स्टूडेंट 5 × 10⁻², ऐसे करिएगा इसको ऐसे, और ये वाला कोष्ठक ये बना लीजिए, ठीक, 5 × 10⁻²² का स्क्वायर हो गए, ठीक, पावर 3/2 हो गया डियर स्टूडेंट। तो इसको आप हल करोगे, तो इसको हल करने पर आपके आंसर कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चों, आपके आंसर आ जाएंगे 3.92 × 10⁻¹⁵ टेस्ला। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको हल कर पाएंगे, और नहीं हल कर पाते हैं तो प्यारे बच्चों आइए कुछ और सरल कर देते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 आ गए प्यारे बच्चे, तो क्या ऊपर आया 2π आए हैं डियर स्टूडेंट, क्या आया है 2π आया, पाई का मान 3.14 गुणे कितना है 9.55 है, गुणे 12 बराबर में 144, और यहाँ 10⁻¹⁷ है, 2 × 2 कितने आ गए 10⁻¹⁴ हो गए प्यारे बच्चों। अब समझिए यहाँ
12 बरह में कितने आ गए, 144 आ गए प्यारे बच्चों। फिर कितना है, 10 घाते माइनस 4 है, और 5 पचे कितना 25 गुणे 10 घाते माइनस 4। पावर कितना है प्यारे बच्चों, 3/2 है। क्या है प्यारे बच्चों, 3/2 है। तो क्या हम लोग इनको ऐसे लिख सकते हैं, 3/2 को 1/2 लिख दें और पूरे के पावर क्या लगा दें प्यारे बच्चों, 3। तो 3 का गुणा 1 से कर दोगे फिर 3/2 आ जाएंगे। ज़रा गौर से समझिए कि अब क्या करते हैं, इनका गुणा करते हैं। तो 2 × 4 8, 2 × 1 2, 2 × 3 6, 6.28 गुणे 9.55 गुणे 144 और 7 × 4 = 11, 10 घाते माइनस 11 आ गए प्यारे बच्चों। अब इसका 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो 144 का अंडर रूट करोगे 12, इसका अंडर रूट करोगे 10 घाते माइनस 2, इसका अंडर रूट निकालोगे प्यारे बच्चों तो 5, और इसका निकालोगे 10 घाते माइनस 2, और पावर कितना है, क्यूब है। तो प्यारे बच्चों 10 घाते माइनस 2 और 10 घाते माइनस 2 दोनों में कॉमन है, तो हल कीजिए 6.28 गुणे 9.55 गुणे 1/4 गुणे 10 घाते माइनस 11। अब देखिए दोनों में कॉमन है, तो 12/5 कितना हो गया 17 गुणे कितना है 10 घाते माइनस 2 का क्यूब। अब इसको आप हल कर सकते हो प्यारे बच्चों। तो हल करोगे तो हल करने पे आएगा 3.92 गुणे 10 घाते माइनस 5 टेस्ला। कितना आएगा प्यारे बच्चों, बी का मान 3.92 गुणे 10 घाते माइनस 5 टेस्ला। इस प्रकार ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा प्यारे बच्चों, आप सॉल्व कर सकते हैं इसे प्यारे बच्चों। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इस खंड का अंगा नंबर प्रश्न। तो प्यारे बच्चों अंगा नंबर सवाल इस खंड का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग 5वें पे आ जाएंगे प्यारे बच्चों। ये भी 3 नंबर का सवाल है। एक्स दिशा में गतिशील विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र ई वाई बराबर दिया है प्यारे बच्चों। क्या दिया है, कौन सा नंबर है, अंगा नंबर है, कौन सा नंबर है, अंगा। तो ई वाई बराबर किया दिया है प्यारे बच्चों 300। क्या दिया है, 300 वोल्ट प्रति मीटर। फिर क्या है भैया, साइन ओमेगा टी माइनस कितना एक्स बटे सी है प्यारे बच्चों से प्रदर्शित है। एक इलेक्ट्रॉन वाई दिशा से 2 × 10⁻⁷ चाल दिया गया है प्यारे बच्चों, 2 × 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁷। आप ये वी भी दिखा सकते हो, मीटर प्रति सेकंड है। तो प्यारे बच्चों कह रहा है तो गति करने पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अधिकतम विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों ज्ञात करना है। अधिकतम विद्युत बल यानी एफ ई ज्ञात करना है और चुंबकीय बल यानी एफ एम ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा, आपको एफ ई ज्ञात करने के लिए तो हम जानते हैं जो विद्युत बल होता है, विद्युत बल होता है यह बराबर या एफ ई बराबर होता है Q × E। क्यू इंटू क्या होता है, ई। तो क्यू के स्थान पे आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों। तो यहाँ ई इंटू कितना आ जाएगा, ई। ई का मान 1.6 × 10⁻¹⁹ और वैद्युत क्षेत्र ई। तो वैद्युत क्षेत्र ई का मान देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ परिमाण कितना है 300 है, तो 300 आ गए। देखिए प्यारे बच्चों, दशमलव काटोगे 100 लग जाएगा, 10 से 0 कट गए, तो क्या बचे आपके पास, 16 × 30 × 10⁻¹⁹ 16 × 3 = 48, तो 480 × 10⁻¹⁹। दो ठो पावर इधर ला दोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे क्या प्यारे बच्चों, 4 कितना आ जाएगा, 4.8 × 10⁻¹⁷ न्यूटन का बल लगेगा। ये रहा आपके इसका पहला क्वेश्चन का पार्ट। दूसरा पार्ट है, तो हम जानते हैं अभी इससे एक सवाल आया था, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का जो गति का फार्मूला था वो क्या फार्मूला था, V बराबर ई बटे कितना था, B था। यही फार्मूला आप लिखे थे प्यारे बच्चों, V बराबर क्या लिखे थे, ई बटे V था।
तो आपको b ज्ञात करना, तो b यहाँ आ जाएगा, b बराबर क्या आ जाएगा, e बटे v हो जाएगा। e का मान आपको पहले से दिए हैं 300 है प्यारे बच्चों, और v कितना है 2 है, 2×10^7। तो प्यारे बच्चों ये कटा दोगे तो 150 आ जाएंगे, 150 ये ऊपर गए, 10^-7 आ गए, तो ये b का मान आ गया। किसका मान आ गया, b का। तो आपको अधिकतम बल चुंबकीय बल चाहिए, या m बराबर होता है q इंटू वी इंटू वी, ठीक प्यारे बच्चों। तो q का मान आपको, q के स्थान पे क्या है प्यारे बच्चों, e है, क्या है, e है, तो e इंटू वी इंटू बी आ गए। e का मान प्यारे बच्चों 1.6×10^-19, v का मान 2×10^7, और बी का मान है 150×10^-7। प्लस वाले माइनस को काट दिए प्यारे बच्चों, अब क्या आ गए, पॉइंट काटे 10 लग गए, ठीक, ये जीरो से ये जीरो कट गए, तो 16×15×2×10^-19। इसे हल करोगे प्यारे बच्चों, तो इसे हल, ठीक प्यारे बच्चों, तो इसे आप हल करोगे तो फिर से आपके वही आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे प्यारे बच्चों, 4.8×10^-17 जूल आंसर आएंगे प्यारे बच्चों। तो आप इसे हल कर सकते हो। तो इस प्रकार जो चुंबकीय बल और वैद्युत बल है वो दोनों आप कैलकुलेट कर लोगे। ये अंगर नंबर का सॉल्व था, ठीक प्यारे बच्चों। बाकी प्यारे बच्चों अगले जो खंड बचे हैं आपका, एक पाँचवा प्रश्न और छठवें प्रश्न, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न उसमें भी पूछे गए हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है प्यारे बच्चों। आप लोग इस वीडियो से आज इतने प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा और अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा। किसी भी एक सवाल में कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो प्यारे बच्चों। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो बनाने में बच्चों हम लोग बहुत ज़्यादा हमको मेहनत करनी पड़ती है, तो प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर वीडियो को लाइक नहीं करते और शेयर तो नहीं करते। तो प्यारे बच्चों आपके लाइक और शेयर करने से हम लोगों का कुछ जाता नहीं है, तो लाइक कर दीजिए कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और साथ साथ में प्यारे बच्चों अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली जो सवाल बचे हैं हम लोग अगले क्लास में उसको हल करा देंगे प्यारे बच्चों। तब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू बच्चों।